रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। 23 नवंबर को सेज बहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाली मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए जाएंगे, जिनमें से एक टेबल पोस्टल बैलेट के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि अन्य 14 टेबलों पर मशीनों से गिनती की जाएगी। पूरी मतगणना 19 राउंड में खत्म होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी। इसके बाद लगभग 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से गिनती शुरू की जाएगी। वहीं इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 500 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मचारियों के हिसाब से 60 कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना स्थल के अंदर होगी, जबकि सुरक्षाकर्मी सहित अन्य स्टाफ मतगणना हॉल के बाहर मोर्चा संभालेंगे।